हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को लेकर के है। और एक्सेल के अंदर अगर आप फॉर्मूलाज लगाना जानते हैं, आपने फॉर्मूलाज का इस्तेमाल किया और आपको फॉर्मूलाज भूल जाते हैं, ठीक है, आप कहाँ क्या करना है, किसको फिक्स करना है, किसको अनफिक्स करना है, ये फिक्सेशन के बारे में आपको कन्फ्यूजन रहती है, तो आप इस वीडियो को देखने के बाद आपकी सारी कन्फ्यूजन होने वाली है दूर, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, बेसिक जो कॉन्सेप्ट है जो कि आपको जरूर जानना चाहिए, जिसका कि नाम है सेल एड्रेस। ठीक है, आइए देखते हैं। यहाँ पे ब्लैंक वर्कबुक ले लेते हैं हम और यहां से चलेंगे। और यहां पर क्या करते हैं, सबसे पहले यहां पर लिखता हूं मैं एक, सबसे अच्छा जो तरीका है वो यहां पर मैं इस्तेमाल करता हूं। तो यहां पर कर दिया हमने नेम ऑफ प्रोडक्ट, ये लिख दिया नेम ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये हो गया नेम ऑफ प्रोडक्ट। और नेम ऑफ प्रोडक्ट देने के बाद यहां पर प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो आती है, तो यहाँ प्राइस कर देते हैं और यहां पे कर देते हैं क्वांटिटी। ठीक है, और यहां पे करेंगे टोटल। ठीक है, अब यहां पर ड्रॉप डाउन बनाना चाहते हैं हम, तो ड्रॉप डाउन के लिए जितनी रेंज में ड्रॉप डाउन बनाना है उतना एरिया सेलेक्ट करके डेटा टैब पे जाइए। और डेटा टैब पे जाने के बाद यहां पर मिलता है आपको डेटा वैलिडेशन, क्लिक करके डेटा वैलिडेशन पे क्लिक कर दीजिए और यहां से आइए इसे बना लीजिए लिस्ट। ठीक है, और यहां आपको जो भी नेम देना है कॉमा दे देके लिख देना है। जैसे मान लीजिए हमने दे दिया कीबोर्ड, यहाँ पे दे दिया कॉमा देके माउस, यहाँ पे दे दिया कॉमा देके ये हो गया, फिर कॉमा देके लिख दिया सीपीयू, फिर कॉमा देके यहाँ लिख दिया रैम RAM। ठीक है, फिर कॉमा देके लिख दिया यहाँ पे हार्ड डिस्क HDD कर देते हैं, हार्ड डिस्क हो गया ये, और उसके बाद SSD कर देते हैं, तो ये हो गया। तो ये सारी चीजें हमने लिख दी है। यहाँ पे CPU होगा तो ये U छूट गया है, तो यहाँ पे U भी लिख लेते हैं, तो ये U लिख करके ओके कर दिया। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये इस तरीके से आएगा, तो ये कीबोर्ड हो गया, फिर यहाँ से ये माउस हो गया, फिर यहाँ पर ये जाएंगे तो मॉनिटर हो गया, फिर यहाँ पर ये जाएंगे तो CPU हो गया, फिर यहाँ पर जाएंगे तो रैम हो गया, इस तरीके से ये होता चला जाएगा। ठीक है, हार्ड डिस्क हो गया, और फिर यहाँ पर आएंगे तो SSD हो गया, फिर यहाँ पर आएंगे तो कोई और स्टॉक आइटम रिपीट हो सकता है। ठीक है, फिर यहाँ पर आएंगे तो कुछ और रिपीट करते हैं मॉनिटर, ठीक है, फिर यहाँ पर कुछ और रिपीट करते हैं माउस। तो यहाँ तक ये हो गया। अब प्राइस की बात आएगी, तो कीबोर्ड की प्राइस है 300 रुपये, ठीक है, माउस की प्राइस है 200 रुपये, मॉनिटर की प्राइस है 6000 रुपये, 6900 कर देते हैं, 6900। CPU की प्राइस है 50000, कितनी है 50000, ठीक है, रैम की प्राइस है 1200, ठीक है, हार्ड डिस्क की प्राइस है 1100, SSD की प्राइस है 2200 रुपये, ठीक है, माउस की प्राइस फिर वही 200, मॉनिटर, ये मॉनिटर 7000 का है, ठीक है, तो 7000 कर दिया, और यहाँ पर ये जो माउस है वो 180 रुपये का, तो ये हमने कर दिया है। अब इसको एक क्या काम करते हैं, करेंसी फॉर्मेट बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, सबको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से होम टैब पे जाके और यहाँ से जनरल पे जाके और इसे बना देना है करेंसी, तो करेंसी बना दीजिए। देखा आपने, ये करेंसी बना दिया हमने। अब यहाँ पर क्वांटिटी की बात आएगी, तो जो भी क्वांटिटी है यहाँ पर मैं डाल देता हूँ, जितनी भी क्वांटिटी सेल या परचेस करनी है वो क्वांटिटी आपको यहाँ पर भरनी होगी, तो ये इस तरीके से हम भर देंगे, सारी क्वांटिटीज यहाँ पे आ जाएंगी। फिर यहाँ पे टोटल करना है, तो इक्वल्स टू का साइन लगा करके, और ये जो सेल एड्रेस है, देखिए इसे सेल एड्रेस कहते हैं, ये देखिए ये बी है ये टू है, तो इसे सेल एड्रेस कहते हैं। और एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला इज इक्वल टू के निशान से शुरू होता है, तो यहाँ पे या तो B2 टाइप कर दीजिए या तो इसको सेलेक्ट करेंगे तो भी B2 आ ही जाएगा। और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, तो देखिए C2 से मल्टीप्लाई करना, ये देखिए C कॉलम है और 2 ये जो है रो का नाम है, तो B2 इंटू C2 जब हम करेंगे तो हमारा टोटल यहाँ पे आ जाएगा। और जैसे ही टोटल आएगा तो फिर यहाँ से ड्रैग करेंगे तो सबका आ जाएगा। तो देखिए ये कोई एरर वैल्यू नहीं है, कई बार इसे एरर वैल्यू कंसिडर किया जाता है, तो ये कॉलम छोटा पड़ जाता है तो ऐसा होता है। तो हम क्या करते हैं ना, पूरे को एक साथ सेलेक्ट करते हैं, इसमें बहुत सारे कॉलम्स रोज छोटे हो गए हैं, तो सारा कुछ ऑटोमेटिक रिसाइज करने के लिए हमें क्या करना है, पूरे डेटा को सेलेक्ट करना है और आपको एक शॉर्टकट की प्रेस करनी है, Alt HOI, ये प्रेस करिएगा और ये पूरा जो है ऑटोमेटिक जो है रिसाइज हो जाएगा। देखिए ये रिसाइज हो भी गया है, ठीक है। ऊपर हम क्या करते हैं, यहाँ पर कलर दे देते हैं, ये कलर मैं प्रोवाइड कर देता हूँ, ये कलर, ठीक है। और इस पर बॉर्डर लगाना है तो कंट्रोल ए से सेलेक्ट करके Alt HPA कर लीजिएगा, तो ये पूरा बॉर्डर भी अप्लाई हो जाएगा। तो अब ये देख सकते हैं यहाँ पे सारा कुछ हो चुका है। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जब आप देखेंगे तो यहाँ पर मैं F2 करता हूँ यहाँ पे, तो अब देखिए ये लिखा हुआ है B2 into C2, ठीक है। एक्सेल में तीन तरीके का सेल एड्रेस होता है, अब ये B2 into C2 लिखा है, लेकिन इसमें कहीं भी डॉलर का साइन नहीं लगा है,
डॉलर का साइन लगाने का क्या मतलब है? आपने देखा होगा अमेरिकन करेंसी पे ऐसा डॉलर का साइन बना होता है, इसे डॉलर कहते हैं। अमेरिका की करेंसी क्या है? डॉलर है, ठीक है ना। तो ये डॉलर का साइन आपको कहीं नहीं दिखाई देगा। अगर हम यहां पर भी आते हैं तो यहां पर भी आप देखिए B3 into C3 है, ठीक है, डॉलर का साइन तो है ही नहीं। B3 और C3 में कहीं भी डॉलर का साइन नहीं है। इसी तरीके से यहां आएंगे तो यहां B4 C4 में भी डॉलर का साइन नहीं है। तो जहां भी आपने कैलकुलेट किया वहां कहीं भी डॉलर का साइन नहीं है। तो डॉलर का साइन ना होना ये क्या प्रमाणित करता है? तो मैंने आपको बताया एक्सेल में तीन तरीके के सेल एड्रेस होते हैं या सेल रेफरेंस होते हैं। तो ये हो गया रिलेटिव, दूसरा हो गया मिक्स्ड MIXED, तीसरा हो गया एब्सोल्यूट। तो ये हो गया एब्सोल्यूट, देखिए इस तरीके से। तो ये तीन ही सेल एड्रेस या सेल रेफरेंस होते हैं। तो देखिए रिलेटिव में कुछ भी फिक्स ही नहीं होता है। अब जैसे मान लीजिए यहां पर हमने दे दिया है, ये देखिए B2 into C2 है ना। तो ये B2 या C2, B2 into C2 पूरा भी लिख सकते हैं आप। तो ये B2 जो है ये रिलेटिव सेल एड्रेस का एग्जांपल होगा। इसमें कहीं कोई डॉलर लगा नहीं हुआ है, ठीक है। अब जरा देखिएगा, हम यहाँ पे टैक्स लिख रहे हैं। टैक्स कितना परसेंट इन सामानों पे टैक्स लगा है, यानी GST जिसे आप कहते हैं। तो मान लीजिए हम यहाँ पे 10% लगा रहे हैं, तो यहाँ लिख दिया 10%। गौर करने वाली बात यह है कि ये 10% का सेल एड्रेस क्या है, देखिए जरा। अच्छा ये भी देखिएगा कि ये नंबर हमेशा राइट अलाइन होता है और टेक्स्ट हमेशा किधर की तरफ अलाइन होता है, लेफ्ट अलाइन होता है। तो ये पूछा जाता है एक्सेल में, ध्यान दीजिएगा इस चीज को। यहां पर आते हैं, देखिए J8, यानी इसका जो टैक्स का सेल एड्रेस है वो J8 है। तो अगर हमें टैक्स कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे हेडिंग भी मैं दे देता हूं, टैक्स अमाउंट AMOUNT, ये दे दिया हमने हेडिंग। अब देखिए जरा यहां पर इज इक्वल टू का निशान लगाएंगे और इसी 1200 में यानी D2 में हमारा टैक्स छिपा होगा, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। चूंकि परसेंटेज आगे लगा हुआ है, ये 10% में परसेंट आगे लगाया है हमने, तो ये अपने आप कैलकुलेट कर लेगा। तो यहाँ पे देखिए इसका सेल एड्रेस J8 आ गया। अब आप एंटर कर दीजिए, ये कौन सा सेल एड्रेस है? D2 into J8, इसमें कहीं भी डॉलर नहीं लगा हुआ है, तो ये रिलेटिव ही है, ठीक है ना। अब एंटर करिए, जैसे ही एंटर करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे 120 आ गया। अब इसको नीचे ट्रैक करा देंगे तो सबका आएगा, लेकिन देखिए सबका जीरो हो जा रहा है। कारण क्या है? तो वो सेल एड्रेस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। हमने अभी क्या पढ़ा है? केवल रिलेटिव सेल एड्रेस। तो जरा यहां पे देखिए D2 into J8 है, ठीक है। नीचे जाएंगे तो D3 होना चाहिए into J8 होना चाहिए, क्योंकि अगर J9 हो जाएगा तो J9, तो ये देखिए ये तो J9 है ना। यहां पे देखिए ये जो है ये J9 है, तो J9 में तो कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं का मतलब जीरो हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई भी जीरो से हो जाएगा। तो यहां तक तो ठीक है D2 into J8, लेकिन जैसे ही नीचे आते हैं तो D3 into G9 हो जाता है और ये G9 में कुछ भी लिखा नहीं हुआ है। तो जब नहीं लिखा हुआ है J9 में कुछ भी, तो इसका मतलब कि वो जीरो कंसीडर करेगा और किसी भी नंबर में जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो वो नंबर जीरो ही बन जाएगा। तो यहां पर इस चीज को आपको बहुत ध्यान देना है, ठीक है ना। अब देखिएगा जरा यहां पर हम क्या करने वाले हैं, देखिए हमें चेंज क्या हो रहा है। देखिएगा D2 तो D3 बनना चाहिए और J8 J9 नहीं बनना चाहिए, ठीक है। तो एंटर करते हैं, नीचे आते हैं, ये देखिए D3 तो बन रहा है लेकिन J8 में J तो J ही रह रहा है लेकिन रो यानी कि 9 बन जा रहा है, यानी 8 क्या हो रहा है, 9 बन जा रहा है। तो ये क्या हुआ, ये हुआ आपका कौन सा सेल एड्रेस, ये रिलेटिव सेल एड्रेस है, लेकिन इसे हम बनाएंगे मिक्स्ड। मिक्स्ड में क्या होता है, या तो रो या तो कॉलम, दोनों में से कोई एक ही फिक्स होता है। तो हम यहां पर चूंकि J8 है तो J8 को J9 नहीं होने देना चाहते हैं, तो यहां पर आकर के 8 के ठीक पहले लगा देंगे डॉलर। रो और कॉलम दोनों में से कोई एक फिक्स होता है डॉलर लगाने की वजह से, तो इसे कहते हैं मिक्स्ड सेल एड्रेस। तो अब आप एंटर कीजिए और देखिए यहां पर ये देखिए कुछ इस तरीके से। अब इसे अगर मैं ट्रैक भी कर लेता हूं तो ये देखिए सबका आ जाएगा, देख रहे हैं यहां पे सबका आ गया ना। अब इसका फायदा क्या हुआ कि अगर मैं यहां पे आता हूं तो D2 into J8 है, फिर एंटर करके नीचे आते हैं, फिर यहां D3 into J8 है, J8 तो J8 ही रह रहा है, देखिएगा ध्यान से। फिर यहाँ D4 into J8 है, ठीक है, फिर यहाँ पे D5 into J8 है। तो यानी D2 D3 में कन्वर्ट हो रहा है D4 में, लेकिन J8 ही बना रह रहा है। और इस तरीके का सेल एड्रेस एग्जांपल में जैसे J8 है ना, तो इसमें J और 8 के ठीक पहले क्या लगा है, डॉलर लगा है। तो ये J8 जो है ये क्या है, 8 क्या है, 8 जो है रो नंबर है और ये फ्रिज है यानी फिक्स है। तो ऐसे में ये क्या हुआ, ये हुआ मिक्स्ड सेल एड्रेस। लेकिन ऐसा भी होता है कि J को भी फिक्स कर दिया जाए, यानी J के पहले भी डॉलर और यहां पर 8 के पहले भी डॉलर, तो ऐसे में ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है एब्सोल्यूट सेल एड्रेस, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं कि आपको बात समझ में आई होगी कि एब्सोल्यूट सेल एड्रेस क्या है, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो बताइएगा मुझे, ठीक है ना।
तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।